नमस्कार, आज मैं आमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आप सबका वेलकम करता हूँ। वेलकम एवरीबडी फॉर जॉइनिंग अस विद आमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया ऑन फेसबुक लाइव। इट इज माय इमेंस एंड ग्रेट प्लेजर टू हैव विद अस ऑनलाइन टुडे दानिश हुसैन, एन इनक्रेडिबल एक्टर हु हैज जस्ट मोस्ट रिसेंटली एक्टेड इन अ मूवी कॉल्ड मी रक्सम। सो लेट्स बिगिन बाय शोइंग यू अ ट्रेलर ऑफ द मूवी एंड देन आई विल टेल यू मोर अबाउट दानिश एंड यू विल गेट टू नो मोर एज ही टॉक्स विद अस। So welcome everybody, me Raksam as a trailer for you now. इतना छोटा घर है कि कोई छिपने की जगह भी नहीं। जी नहीं, कोई गलत फहमी नहीं। मेरी बच्ची भरतनाट्यम डांस सीख रही है, मोहल्ले की दूसरी तरफ जो स्कूल है उसी में। पहले कदम से शुरुआत कर लो, तेरा हुनर अपने आप काम करने लगेगा। हाशिम से जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकता। दानिश साहब सलाम नमस्कार, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया देयर फेसबुक लाइव। वेलकम। आदाब आदाब, नमस्ते। थैंक यू सो मच सुबीर फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट हियर। इट्स अ रेयर ऑनर। एंड नॉर्मली जो लोग खाते हैं उनको पकाने वाले लोग जो है इस इज्जत से बुलाएं ऐसा कम होता है, तो मेरे लिए ये बड़ी खुशकिस्मती की और इज्जत की बात है कि आपने मुझे एज अ गेस्ट इस शो पे बुलाया। पर आपको एक बहुत खास रीजन से बुलाया है, क्योंकि आपकी जो एक मैं आपका एक्चुअली बायो हम लोग बाद में बातों बातों में निकलेगा, आई वोंट इंट्रोड्यूस यू, मैं करने वाला था, बट लेट्स गेट टू द निटी ग्रिटी। आज हमारे मुल्क के बापू, हमारे फादर ऑफ द नेशन, उनकी 151st बर्थडे है और आपसे बेहतर कोई आदमी नहीं हो सकता आज जिससे मैं बात करना चाहूँ। मीर रक्सम में आप लोगों ने हमें एक फादर और डॉटर, बेटा और बाप की एक रिलेशनशिप दिखाई है, कहानी दिखाई है जो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि इंटॉलरेंस और ऑल काइंड ऑफ हेट्रेड वो सब उसके सामने पिघल जाती है। तो व्हाट मेड यू डिसाइड टू एक्ट इन दिस मूवी एंड व्हाट काइंड ऑफ हाउ डिड इट टच योर हार्ट? हमें मीर अक्सम के बारे में बताइए पहले। देखिए, मीर अक्सम का चेहरा तो जाता है बाबा आजमी के साथ, क्योंकि वो कहानी जो है वो बाबा आजमी के दिमाग में पहले आई। और बाबा आजमी ने एक बड़े अच्छे एकेडमिक राइटर हैं, अली हुसैन मीर, US में। बाबा ने ये कहानी उनके साथ शेयर की और फिर अली हुसैन मीर ने उसको एक स्क्रीन प्ले का की शक्ल दी। और ये फिल्म बाबा काफ़ी ज़माने से बनाना चाह रहे थे, लेकिन कुछ उनके हालात थे जिसकी वजह से वो फिल्म बना नहीं पा रहे थे। और 2019 वॉज द सेंटेनरी ईयर फॉर कैफी आजमी साहब, जो बाबा आजमी साहब के वालिद साहब हैं। तो जब 2019 नज़दीक आने लगा, आई मीन वी वर इन ईयर 2018, तो बाबा ने सोचा कि भाई अब ये प्रोक्रेस्टिनेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है और इट विल बी अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू माय फादर कि उनके सेंटेनरी ईयर में मैं ये फिल्म बनाकर पेश करूँ। तो उन्होंने कमर कस ली कि भाई ये फिल्म बनानी है। और मैं इत्तफाकन उनको एक पार्टी पे मिल गया, मतलब हमारी हेलो हाय तो थी, हम सोशली जानते थे एक दूसरे को, लेकिन कोई ऐसा रابطہ नहीं था। और एक बार हम एक पार्टी पे मिल गए जहाँ ज़रा ज़्यादा लंबी बातचीत हुई, गपशप चली। और उस वक्त तक बाबा ने कोई मेरा काम नहीं देखा था, ना स्क्रीन पे देखा था, ना स्टेज के ऊपर देखा था। उनको बस पता था कि ये कोई एक्टर है, लेकिन वो उसके अलावा कुछ उन्होंने देखा नहीं था। लेकिन वो पता नहीं उस मुलाकात में क्या हुआ कि वो जब घर आए तो उनको शायद ये लगा कि मैं ही सही आदमी हूँ सलीम के कैरेक्टर के लिए। और उन्होंने अपनी जौजा, अपनी धर्मपत्नी तन्वी आजमी से डिस्कशन किया और जाहिर सी बात है शबाना जी से भी डिस्कस किया होगा। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दानिश से मिला और मुझे लगता है कि वो सही है इस कैरेक्टर के लिए। और फिर उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया और मैं तो काफ़ी फ्लैटर्ड था, काफ़ी हैरान था कि उन्होंने मुझे फ़ोन किया और सीधे पेशकश की कि मैं चाहता हूँ आप ये रोल करें। तो मैंने कहा कि ये मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, लेकिन मतलब आपने कहा मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा नहीं, आप फिर भी स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए एक बार। और मुझे याद है, मैं ये जुलाई 2018 की बात है,
मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा था किस्सेबाजी की परफॉर्मेंस के लिए, तो मैंने कहा बाबा आप मुझे स्क्रिप्ट भेज दीजिए, प्लेन में काफी लंबी फ्लाइट है, वक्त रहेगा, मैं पढ़ता हुआ जाऊंगा स्क्रिप्ट को। और मैंने फ्लाइट में वो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट इतनी प्यारी मुझे लगी कि जैसे ही मैं सिडनी में उतरा मैंने तुरंत उनको ईमेल की कि मेरी हामी है, मैं ये रोल करूंगा। और इस तरह से जो है ये सहरा जो है मेरे सर आया। तो आप जैसे बोल रहे थे इस मूवी के लिए यहाँ पे बिजली भी दिल्ली में चले गई और वापस भी आ गई, आपकी कहानी खत्म होते होते। तो इट्स ऑर्डेन्ड। तो व्हाट आई फाउंड, जो मेरे को सबसे खास बात इस मूवी की लगी, जो जिस तरह से आपने मरियम जो लड़की है जो भरतनाट्यम सीखती है उसके साथ आपने जो रिलेशनशिप दिखाई है एक फादर की, वो बहुत सॉरी मेरे को माफ करिएगा, मेरी हिंदी जबान अभी थोड़ी सी रस्टी है, बुरी है, पर बहुत टेंडरनेस से आपने दिखाई। तो आप हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इस मूवी में एक फादर को, पिताजी को, बाप को किस तरह दिखाया गया है बेटी के साथ, और आपने पर्सनली क्या सोचा इस रोल का? देखिए मैंने ना सिर्फ मेरा सन की, मैंने एक जावेद अख्तर साहब ने एक नाटक भी लिखा है कैफी और मैं, जिसे वो अक्सर वो और शबाना आजमी साहिबा जो है उस स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, विच इज एसेंशियली काइंड ऑफ अ पार्ट थिएट्रिकल पार्ट स्टोरी टेलिंग प्रेजेंटेशन, अ डायलॉग बिटवीन कैफी आजमी एंड शौकत आजमी साहिबा जो शबाना आजमी की मदर थी। तो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग से बहुत बढ़िया एक्ट्रेस, स्टेज एक्ट्रेस एंड मूवीज। जी, एब्सोल्युटली, शौकत आजमी वाज अ फिनोमिनल एक्ट्रेस, इफ्ता के साथ उन्होंने बहुत काम किया हुआ, और खासकर जो गर्म हवा में उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग से निकाल कर जावेद साहब ने एक प्ले लिखा जो अक्सर कैफी साहब, जो अक्सर जावेद साहब और शबाना साहिबा परफॉर्म करते हैं। और इत्तफाक से लास्ट ईयर क्या हुआ कि जावेद साहब की तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो शबाना जी ने मुझसे कहा कि वुड यू लाइक टू स्टेप इन एंड डू द पार्ट विद जावेद डज, एंड आई थॉट वाओ। सो बट इन द प्रोसेस व्हाट हैपेंड दैट आई हैड टू नो गो थ्रू द प्ले, आई हैड टू लर्न द प्ले, आई हैड टू रीड अ लॉट अबाउट, एंड ऑल्सो दैट वाज द टाइम व्हेन शुभमंत्रो घोषाल वो जो है कैफी साहब पे एक अपनी डॉक्यूमेंट्री लेकर आए, तो वो सब देखा तो उससे मुझे काफी समझ में आया कि जो सलीम का किरदार है वो कुछ हद तक जो है, हाँ वो कुछ हद तक उसमें जो है वो कैफी आजमी साहब की झलक है, कि मेरे ख्याल से कैफी आजमी साहब ने भी जिस तरह से शबाना जी को और बाबा को पाला और जिस तरह से उन्हें बड़ा किया, तो वो जो एक टेंडरनेस थी उनके कैरेक्टर में वो बहुत हद तक सलीम के अंदर भी है, वो नजर आती है। तो आई वुड से दैट द कैरेक्टर ऑफ सलीम टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट इज कैफी साहब इंस्पायर्ड बाय is inspired by Kafi Saab. I mean, he's not a literary or and a poet as Kafi Saab was in real life, but the human side of Kafi Saab, but that is something which was there in Salim. So that wo meko takes me to the next point. Shabana ji se jab meri baat hui is movie pe, unhone meko kaha ki unke abbu Kafi Azmi Saab ne unko jab wo bachchi thi unhone bola abbu main kya banu, nahi to tum jo banna chahe bano, tum दर्जी बनना चाहो या एक्ट्रेस बनना चाहो या प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो, प्रेम से पैशन से अगर तुम वो बनोगी मेरा रिस्पेक्ट हमेशा रहेगा। सो आई थिंक व्हाट वाज अमेजिंग अबाउट कैफी साहब टेलिंग शबाना जी दैट वाज दैट ही डिडंट केयर व्हाट हिज डॉटर डिड, कि उनकी बिटिया कोई भी नौकरी कर सकती थी जो एक आदमी कर सकता, और उनके उनका स्ट्रेंथ, उनका सपोर्ट और उनकी ब्लेसिंग उनके साथ रहती। तो व्हाइल वी आर टॉकिंग ऑफ दैट आई वांट टू टेल ऑल आवर व्यूअर्स ऑन फेसबुक, if you write the most memorable moments of your father daughter relationship in the comment section on this Facebook live, an Amul chocolate for you and your father and the daughter would be sent by Amul for this Mahatma Gandhi Jayanti. So please bhejiye and 20 best father and daughter memories will be getting chocolates from Amul. And now back to you. I wanted to call you Salim but Danish ji. तो दानिश, व्हाट डू यू थिंक महात्मा गांधी, एक तो पहले महात्मा गांधी साहब जो थे हमारे बापू, वो खाने के ऊपर बहुत अटेंशन देते थे, वो थोड़ी आगे थे हम लोग सबसे, मोस्टली प्लांट बेस्ड डाइट कहा करते थे बापू हम लोगों को खानी चाहिए,
वो गोट का गोट मिल्क का दही खाते थे, दूध भी बहुत शौक से पीते थे एंड पर ज्यादातर शाकाहारी, वो तो थे ही शाकाहारी पर बोलते थे लोगों को कम खाओ और सब कुछ शाकाहारी बनो. We are learning in the 21st century that what Bapu said about recycling, about eating plant-based food, about eating dahi yogurt every day, ye sab baatein sach nikal rahi hain. Do you think food plays an important role in what a human being becomes? And because in a lot of homes, a daughter isn't fed the same way as a son. Ko daughter to kisi aur ki paraya dhan hai, par bete ko bahut khate pilate hain. But what role does food play in lives and what should it be between a father and a daughter? नहीं, ये आपकी बात सही है क्योंकि सारा जो इंसानी निजाम जो है वो खाने पे चल रहा है और खाना ही जो है वो एक जिसे कहते हैं ऑर्गेनिक फ्यूल है जिसके बाद जो है हमारी बॉडी में ये कुव्वत आती है कि हम दुनिया भर के काम कर सकते हैं. और ये सब जो बातें हैं ये तो जो हिकमत की बातें हैं, जो यू नो वैद की बातें हैं, वो तो ये सब विजडम तो बहुत पहले से हमारे पास है. अब मुझे याद है बचपन में अक्सर हमारे घर पे कहा जाता था कि जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ और खाने के साथ जो है पानी ना पियो ज्यादा. हाँ, वो बहुत, it's such an Indian thing. हाँ, तो ये और खाना खाते वक्त जो है बात नहीं करो. तो ये सब दो तीन हिदायतें मुझे याद है बचपन में बहुत दी जाती थी क्योंकि और अब समझ में आता है कि ओवर ईटिंग करने से जो है वो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं. तो ये सब हिदायतें कि खाना जो है वो मीजान से खाओ, खाना जितनी भूख है उससे एक रोटी कम खाओ, खाने के वक्त बातचीत नहीं करो, खाने के वक्त पानी ज्यादा ना पियो, सिर्फ एक दो घूंट लो अगर बहुत सूखा हो रहा है एंड वेट फॉर सम 15-20 मिनट्स पोस्ट योर डिनर सो दैट यू ड्रिंक द वाटर. तो अब वो सब जो उसका जो साइंटिफिक मेडिकल रीजन है वो बाद में समझ में आते हैं. अच्छा, उसके अलावा क्योंकि हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क था जहाँ पे जो है वेजिटेशन बहुत थी, बहुत ज्यादा मकदार में थी, तो एक तरह से यहाँ जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो काफी वेजिटेरियन थी. लेकिन बनिस्बत इसके कि वो मुल्क जहाँ पे ठंडी ठंडा बहुत है या जहाँ पे रेगिस्तान है जहाँ पे वेजिटेशन इतनी नहीं होती है एंड प्रोटीन बेस्ड जो ज्यादा यू नो गोश्त ज्यादा खाते हैं लोग, तो यहाँ का जो डाइट सिस्टम था हमारे मुल्क का वो उसमें इतनी जरूरत नहीं थी प्रोटीन खाने की. नहीं, पर प्रोटीन तो सब्जियों में भी मिलती है दानिश. हाँ, ये वो तो आपने बिल्कुल अमेरिकन बात बोली है क्योंकि हिंदुस्तान में हम लोगों को ये तमीज थी कि प्रोटीन दालों में, हमारी बीन्स में, हम लोगों के सब्जियों में, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में प्रोटीन होती है, स्पिनच में होती है, दालों में. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था के वेजिटेबल्स के अंदर जो है प्रोटीन नहीं होता है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि किस खाने में क्या होता है. बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू हाउ कम व्हाई वी वर मोर वेजिटेरियन इन दैट सेंस. तो ये बात तो है. और दूसरी बात जो है एक जो एसेटिज्म हमारी लाइफ का जो एक एक बड़ा हिस्सा है कि आप हैं संत, आप एसेटिक हैं, मोनास्टिक हैं. नहीं भाई, मैं क्या दावा कर सकता हूँ भाई, मैं तो एक कलाकार बहरूपिया भांड आदमी हूँ. मैं तो सिर्फ रूप बदलता हूँ, तो मुझ जैसा आदमी तो कुछ भी, उसका तो कुछ ईमान धर्म होता ही नहीं है. उसके ऊपर तो जो मुखौटा लगा दिया वही वो बन जाता है. वो यही एक एक्टर अदाकार की लाइफ होती है. लेकिन ये जो एक एसेटिक लाइफ थी ये बहुत एसेंशियल थी एक स्पिरिचुअल लिविंग के लिए. और गांधी जी जो थे वो इसको बहुत स्पाउस करते थे, इसको बहुत इस चीज को जो है अपनी जिंदगी में ना सिर्फ उसका उसको उसका बयान करते थे बल्कि अमल से और अपनी अपने एक्ट से, अपने डीड से जो है इस चीज को जो है अपनी जिंदगी में लागू करते थे. तो अब आपके घर में, आप दिल्ली में आपकी पैदाइशी हुई, आपके पेरेंट्स एकेडेमिक्स थे, आपकी अम्मी फारसी सिखाया करती थी, आप दिल्ली में पढ़े, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं और फिर खालसा कॉलेज में आपने पढ़ाई करी, वहां पे आपने इकोनॉमिक ऑनर्स पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने फिर अपना मास्टर्स की तालीम ली एंड अब आप एक्टिंग करते हैं. तो जरूर बिल्कुल कोई डाउट नहीं कि आपने बहुत बढ़िया खाना खाया क्योंकि दिल्ली में बहुत बढ़िया खाना बनता है. कोई ऐसी आपकी फेवरेट डिशेज हैं जो आपको बचपने की याद है, जो आपके
पेरेंट्स ने आपके साथ खाई? आप एक इकलौते बच्चे थे, आपके भाई बहन भी? नहीं नहीं, मैं मेरी मेरी छोटी बहन है जो अमेरिका में रहती है, डिट्रॉइट में रहती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो भी, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मेरे बहनोई साहब। मेरी पैदाइश जो है वो गाजीपुर में हुई थी, वो बनारस के पास एक जिला है उत्तर प्रदेश में, लेकिन क्योंकि मेरे वालिदैन जो हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुलाजिम थे, तो मेरी परवरिश और मैं बड़ा जो हुआ हूँ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ हूँ, और क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुलाजिम थे तो मेरा बचपना जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में गुजरा है। तो कमला नगर जो है सात पड़ोस में एक मार्केट होती थी, और वहां पे एक मुझे याद है एक तो एक छोले कुलचे की दुकान होती थी, और मैं नाम भूल गया हूँ, बड़ा भला सा नाम होता था उनका, लेकिन वो दुकान जो है वो लगाते थे सुबह 9 बजे कुछ समझिए या 10 बजे, और 12-1 बजे तक उनके सारे कुलचे छोले बिक जाते थे क्योंकि वो इतने पॉपुलर होते थे, बाकायदा लाइन लगती थी सड़क के ऊपर और वो कुलचे छोले बिक जाते थे। उसी तरह एक और मुझे याद है दुकान थी लाहौर दी हट्टी कमला नगर में, और क्या शानदार वहां पे पूरी सब्जी और छोले भटूरे मिलते थे कि मतलब, और लस्सी, और हाँ मुझे याद है संडे के दिन खासकर जो है बड़ी भीड़ होती थी वहां पे, और हम लोग जो है सुबह सुबह 7:30-8:30 बजे पहुंच जाया करते थे कि साहब आज तो है वहां पहुंच के छोले भटूरे खाने हैं। तो ये मुझे याद था। उसके अलावा चांदनी चौक तो खैर मशहूरी था, समोसे हैं, कुलचे हैं, इन सब चीजों के लिए, और बंगाली मार्केट बहुत मशहूर थी जहाँ पे हम एक्चुअली फ्रिक्वेंट किया करते थे चाट और गोलगप्पे और ये सब चीजें खाने के लिए। उसके बाद मुझे याद है कि मद्रास कैफे होता था जहाँ पे बेसिकली हम जाते थे अपना डोसा खाने के लिए, और वो डोसे के हम लोग बड़े फैन होते थे, और उसके अलावा फिर जामा मस्जिद पे करीब था, जवाहर रेस्टोरेंट था कि जहाँ पे नहारी हुई, गोश्त हुआ, कबाब हुआ, इस सब चीजों के लिए। तो जो मुझे याद है कि जब हम बड़े हो रहे थे तो एक्चुअली इन 70s एंड 80s जो है वो डाइनिंग का इतना सिस्टम नहीं था, घर ही का खाना, क्योंकि या तो बहुत ही बड़े 5-star होटल्स में रेस्टोरेंट्स होते थे, और या कोई बड़े गिने चुने रेस्टोरेंट्स होते थे कनॉट प्लेस में या खान मार्केट में, बट मोस्टली दे वर सीन आउट ऑफ बाउंड्स फॉर मिडिल क्लास। यस यस यस, एक साल में एक बार ही चले गए, बहुत बड़ी बात जी। तो इतना जो डाइनिंग आउट का मुझे बचपन में याद नहीं है कि घर पे कहीं हम लोग जाते हों या खाते हों, हमेशा ज्यादातर खाना जो है वो घर पे ही बनता था, और स्पेशल ओकेजन होता था कि जब या तो कोई त्योहार है या फिर जो है कोई दावत हो रही है घर के ऊपर। तो और मुझे याद है कि हमारे वालिद साहब के दोस्त होते हुआ करते थे, एक गुप्ता जी हुआ करते थे, तो उनके यहाँ जो है मारवाड़ी स्टाइल में जो है छोले और दम आलू और ये बड़ी शानदार शानदार सब्जियां बनती थी। वो क्या है खाना जी, तो वो क्या करते थे कि वो छोले और दम आलू और ये सब चीजें जो है वो पैक करवा के, क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद है, तो वो भिजवा दिया करते थे। तो उसमें जो है खास जैसे जो मारवाड़ी खानों में थोड़ा हींग का इस्तेमाल होता है और थोड़ा खट्टापन होता है, हम लोग हींग जीरा खटाई जी, तो ये उसमें एक एक बड़ा अलग फ्लेवर होता था, जो हम लोगों का जो नॉर्थ इंडियन मुगलाई स्टाइल खाना होता था उसमें वो जायका नहीं होता था। तो हम बड़े फैन होते थे जब वो गुप्ता जी के यहाँ से आते थे छोले, तो बिल्कुल आप समझिए हम लोग की लार टपकती थी कि हम छोले खाएं। तो लेकिन जब मुझे याद है कि 1984-85 में जब पहली बार वो ये निर्लाज ने अपना एक फास्ट फूड खोला चाणक्य सिनेमा पे, बहुत बड़ा, तो हाँ वो तो वो हम लोगों के लिए जो है वो सडनली इट वाज लाइक अ न्यू वर्ल्ड एंड अ न्यू रेज कि वहाँ हॉट डॉग खा रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं और मिल्क शेक्स पी रहे हैं। तो एंड व्हेन बाय द टाइम द लिबरलाइजेशन हैपेंड 91 तो ये आउटडोर डाइनिंग जो है रेस्टोरेंट्स बहुत खुलने लगे जी। तो मुझे याद है ये चोनाज होता था खान मार्केट में जी, 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 और जी। वहां पे जाके हम अक्सर पिज्जा और वो खाया करते थे, और उसके बाद मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं वो बिकचल रेस्टोरेंट की चेन चलाते हैं, तो उनका बिकचल स्टार्ट हुआ तो वो बिकचल में जाके हम लोगों ने खाना वाना शुरू किया। तो फिर ये जो तरह तरह की जो फॉरेन कुजींस थे जैसे थाई कुजीन हुआ,
या यू नो वियतनामीज कुजीन हुआ या इटालियन कुजीन हुआ, तो ये अलग अलग तरह के कुजीन्स आने लगे। तो फिर समझ में आया कि भाई दुनिया जो है वो और ये जो मतलब और जो हम खाते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे कुजीन हैं और उनसे हम सब वाकिफ हुए। तो आपके घर पे आपकी एक छोटी जो बहन थी, आपके फादर और आपने उनको किस तरह ट्रीट करा? बापू ने एक बारी उनका फेवरेट गाना है वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पर आई जाने रे, उसमें एक लाइन है जो कहती कि औरतों को अपनी माँ की तरह ट्रीट करना चाहिए। एंड आई थिंक हिंदुस्तान में हमारे पास देवियां इतनी बढ़िया बढ़िया इमेजेस हैं, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती एंड क्या क्या इमेजेस वो क्रिएट करती हैं, और वुमेन ऑफ एम्पावरमेंट कि उनसे पावरफुल और कौन हस्ती हो सकती है इस दुनिया में। येट हिंदुस्तान में हम लोगों को चिंता करनी पड़ती है अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माओं के लिए इन सड़कों में हिंदुस्तान की, आज के हिंदुस्तान में। आपके फादर ने आपको क्या सिखाया कि एक औरत के साथ क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए? And as a father of a 23-year-old daughter, how do you react to that? I think my father, though he was a very mild, pleasant, loving man, but in a lot of sense, he adhered to the patriarchal role. कि मतलब वो कमा रहे हैं और घर चला रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी वहां तक खत्म हो गई और काफी हद तक जो है, I think my mother had a greater role because my mother herself was an academic, a professor. But she was very clear कि बच्चा चाहे मर्द लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको दोनों को एजुकेशन मिलनी चाहिए और दोनों के पास जो है पूरी ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं। And I think a lot of our emotional and mental sensibility is purely because of our mother and because of the fact कि जो हमारी वालिदा हैं वो इस बात पे बहुत मुसर थी कि बिल्कुल कि दोनों मुसर थी कि दोनों बच्चों को जो है पढ़ाई और उसके बाद ये फ्रीडम कि वो क्या करना चाहें, ये दोनों उनके पास होनी चाहिए। तो उस मामले में हम बड़े लकी थे कि जब हम बड़े हो रहे थे तो हमको ये एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट शी इज अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय एंड दैट जेंडर सेंस वाज देयर, नथिंग रियली वाज मच डिफरेंट। आई मीन वी बोथ हैड इक्वल क्लेम एंड स्टेक टू एवरीथिंग। एंड व्हेन आई फाइनली हैड अ डॉटर ऑफ माय ओन, आई हैड द सेम थिंग कि देखिए क्या होता है कि माँ बाप और बच्चे का रिश्ता जो है ना वो बहुत ही बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। और बच्चा जब दुनिया में आता है तो जैसे जैसे उसकी आंख खुलती है वो एक तरह से उसकी इनोसेंस रोब होती जाती है, क्योंकि यू नो जब वो दुनिया उसको समझ में आने लगती है तो उस वक्त जो है एक बहुत गहरा रिश्ता होता है ट्रस्ट का, वो माँ बाप के साथ होता है। एक सेफ स्पेस जो है वो माँ बाप प्रोवाइड कर सकते हैं और एक तरह से ढालस दे सकते हैं बच्चे को कि बच्चा जो है वो कहीं भी दुनिया में उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, ये एक जगह है जहाँ पे अगर वो लौट के आएगा तो उसको एक बड़ा अनकंडीशनल लव मिलेगा। एंड आई थिंक ये चीज जो है वो लागू होती है दोनों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। लेकिन जिस तरह से हमारा पेट्रियार्की समाज है और जिस तरह से औरतों के साथ व्यवहार होता है, आप मतलब जब एक लड़की सड़क पे बाहर निकलती है और एक लड़का जब सड़क पे बाहर निकलता है, एक लड़की के पास एक्सपोनेंशियली ज्यादा परेशानियां होती हैं जब वो सड़क पे वॉक कर रही होती है। एक सिंपल एक्ट ऑफ जस्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस एंड गोइंग टू द मार्केट प्लेस और टू एन ऑफिस स्पेस और टू अ रिक्रिएशनल स्पेस, अ गर्ल हैज फार मोर प्रॉब्लम्स टू टेक केयर ऑफ व्हेन शी इज वॉकिंग अलोन देन अ बॉय। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट दैट व्हेन शी कम्स बैक शी शुड नॉट फील डिस्क्रिमिनेटेड एट होम ऑल्सो, कि जब घर भी आए तो घर आके उसको एक एक सेफ स्पेस मिले और उसको एक ताकत मिले, कुव्वत मिले कि तुम अगर दुनिया में जाओगी और अपनी शर्तों पर जिंदगी जियोगी तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सलीम इज डूइंग इन मीर अक्सर। और आजकल जो मुल्क का हालात है, स्पेशली जो पिछले एक हफ्ते में हुआ है, ये बहुत शर्मनाक बात है। आप ये सोचिए क्यों किसी की जिंदगी के ऊपर खतरा हो जस्ट बिकॉज की वो औरत है या उसकी सेक्सुअलिटी डिफरेंट है या उसकी स्किन का कलर डिफरेंट है या उसका मजहब डिफरेंट है। मतलब आपने अगर कोई अपराध किया है तो समझ में आता है कि भाई आपके ऊपर खतरा है, लेकिन कोई किसी के ऊपर खतरा इस बात का क्यों हो? क्योंकि सिर्फ उसका वजूद कुछ है। सो दैट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड आवर व्यूअर्स, आमूल विल बी गिविंग अ फादर एंड डॉटर हु शेयर अ ब्यूटीफुल मेमोरेबल मोमेंट विद अस ऑन द कमेंट सेक्शन, the gift of chocolates for both father and daughter.
तो आप प्लीज कहानी लिखिए, हम लोगों से बात कीजिए थ्रू कॉमेंटरी. एंड वी हैव दानिश हुसैन साहब जिनकी मूवी अभी मीर अक्सम रिलीज हुई है, जो बाबा आजमी ने डायरेक्ट करी है, एंड इट्स बीन प्रेजेंटेड बाय शबाना आजमी. बहुत बेहतरीन मूवी है जिसमें दानिश हुसैन साहब ने फादर का रोल प्ले किया. उनका कैरेक्टर का नाम सलीम है और उनकी बेटी जो भरतनाट्यम डांसर बनना चाहती है उनका नाम मरियम है, और मरियम डांसर बनना चाहती है, सोसाइटी उनको रोकती है डांसर बनने से, फिर जब वो परफॉर्म करती है सोसाइटी फिर से उनको डिफीट करती है. बट द फादर एंड डॉटर वो दोनों कभी भी नहीं इससे, वो निडर है, उनको कोई इसमें चैलेंज नहीं लगता, वो अपने दोनों अपना काम करते, फादर बेटी को प्रोटेक्ट करने का और बेटी अपने डांस की पैशन को रियलाइज करने का, अपना पैशन को बनाए रखती है. दैट इज अ मूवी, प्लीज जाके देखिए. पर अब फिर से हम दानिश साहब से बातें करते हैं. दानिश साहब, हम लोग आमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया के फेसबुक लाइव पेज पे हैं, ये लोग गुजरात में बेस्ड हैं, आनंद में, एंड गांधी जी गुजरात के थे और गांधी जी एक बहुत प्योर लाइफस्टाइल के लिए हम लोगों को हमेशा उन्होंने सिखाया कि हमें लीड करना चाहिए. आमूल एक ऐसी एक कॉर्पोरेशन है जो मैं 27 साल बाद अपने मुल्क वापस आया हूँ, और मुझे बहुत गर्व होता है देख के कि इन्होंने इम्प्योरिटीज और अडल्ट्रेशन अपने फूड वेज में नहीं लेके आए हैं. ये इनका दूध मैं ट्रस्ट करता हूँ कि 100% रियल होगा. इनकी चीज, इनकी चॉकलेट, इनके घी में कोई अडल्ट्रेशन नहीं है. ये एक कोऑपरेटिव है जहाँ पे फार्मर्स अपनी डेस्टिनी अपने आप कंट्रोल कर रहे हैं. सुधीर जी, अमूल से कौन वाकिफ नहीं है जो हिंदुस्तान में रहा है. आपने कभी खाया अमूल का प्रोडक्ट? अरे भाई, बचपन से कुरियन साहब जो मिल्क रेवोल्यूशन लेके आए इस मुल्क में, और उसके बाद जो वो जो शानदार फिल्म बनी मंथन, जिसमें हमारा गांव काठियावाड़ी, हाँ, जिसमें जो है अपना गिरीश कर्नाड साहब जो है वो कुरियन साहब का रोल प्ले कर रहे हैं, नसीर भाई हैं, तो वो सब तो हम लोग का जैसे कहते हैं ग्रोइंग अप में हेरिटेज में है. हम तो वो जनरेशन है जो प्री अमूल दुनिया जानते ही नहीं है, क्योंकि आप 65 के मेरे से थोड़े बड़े हैं. आई एम टर्निंग 50 इन 2 इयर्स, आप 15 साल मेरे से बड़े. 15? अच्छा घुमाया है, लगता है आपने अमूल बहुत खा लिया है. एक साल बड़ा हूँ, 71 हूँ. तो मैं इतना बुढ़ा लग रहा हूँ आपके मुकाबले? क्या आपने अब वो तो भाई क्या किया जा सकता है, उम्र उम्र का तकाजा है, जेनेटिक है, हमारे बाल यहाँ ज्यादा सफेद है, आपके कम है, उसमें क्या किया जा सकता है. नहीं, मैं तो बहुत कहने का मतलब ये है कि मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अमूल जो है वो इतना गहरी तरह से हमारी जिंदगी में है, घुसा हुआ, कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट सोचते हैं हिंदुस्तान में तो आपके दिमाग में अमूल ही आता है. और मैं अमूल वालों से यही दुआ करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो हेरिटेज जिसको लेके उन्होंने अपने कोऑपरेटिव को खड़ा किया था, उस हेरिटेज को और उन प्रिंसिपल्स को लेके साथ चलें और उसको एबडिकेट ना करें. तो वही प्रिंसिपल्स दानिश साहब ऑफ, आपने जो बहुत बड़ी बात बोली प्रिंसिपल्स, ये हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपनी जिंदगी में नहीं फॉलो करते हैं, कि कैसे एक आदमी जो इस धरती पे पैर नहीं रख सकता अगर उसकी माँ के कोख से ना निकले, वो आदमी कैसे किसी एक औरत को डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, सीटियां बजाएगा उसको, किसी भी तरह प्रेडेटरी तरह देखे, कि ये क्यों होता है हमारी सोसाइटी में. क्योंकि बम्बई में नहीं होता, मैंने देखा है बॉम्बे में, जब मैं बच्चा था 18 साल का बॉम्बे में मैं कॉलेज गया, वहां पे औरतें रात के भी 2 बजे चल सकती थी अकेले बिना किसी के. वहां पे कैसे इंडियन आदमियों ने सीख लिया तमीज सिखाना, पर और सारी जगह हिंदुस्तान में हम भूल जाते हैं कि हम भी एक माँ के बेटे हैं, एक औरत के भाई हैं, एक बेटी के पिताजी हैं. ये क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि हमारे बापू जो अब हमें 73 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस के, हमने हमारे दिमाग से क्यों नहीं ये बातें निकली हैं कि हम औरतों को रिस्पेक्ट दें इक्वल और उनको बढ़ने दें जिंदगी में बिना हिंड्रेंस के, ये क्यों नहीं हो रहा हमारी जिंदगी में. ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है, और ये सवाल मर्दों के लिए, उनके इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए ये एक सवाल है कि इस तरह से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. क्योंकि अक्सर ये, जब बम्बई आया मैं 2014 में, दिल्ली से बम्बई शिफ्ट हुआ, और ये तो आप जानते ही हैं बम्बई दिल्ली की अक्सर नोक झोंक चलती है,
तो मुझसे भी ये सवाल किए जाते थे कि अच्छा आप तो नाउ यू स्टे इन बॉम्बे, नाउ टेल अस व्हिच इज अ बेटर सिटी. और मेरा एक सिंपल एक ही जवाब होता था कि मुंबई एनी डे इज अ बेटर सिटी बिकॉज़ वुमेन आर ट्रीटेड बेटर देन दैट. और हर वो शहर जहाँ पे औरत को वो अच्छा ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता है, इज्जत मिलती है, वो बेहतर शहर है. और ये हमारे लिए सोचने की बात. मैं अपनी जिंदगी और अपने तजर्बे से ये कहूंगा कि एज अ मैन व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट आई थिंक what I don't like about myself if I were to see myself as a creep. तो creep को उर्दू में हिंदी में क्या बोलेंगे? लफंगा, लुच्चा. There is more disgust in the English word creep than but basically kind of a lafanga, lucha, lascivious man, an insidious man. तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं अपने आप को किसी सिचुएशन में देखूं जहां मैं क्रीप हूं, तो इट वुड फिल मी विद डिस्गस्ट एंड दैट मेक्स मी वेरी अवेयर ऑफ दैट एज टू इज माय बिहेवियर काइंड ऑफ यू नो ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ क्रीपिश काइंड ऑफ अ बिहेवियर एंड आई काइंड ऑफ मेक श्योर दैट आई डोंट गेट इनटू दैट स्पेस. और आई थिंक ये हमको सोचना चाहिए कि क्या हमारी वजूद से, हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, कोई अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, क्या हम किसी की जगह छीन रहे हैं. सो बेसिकली यू नो द आइडिया ऑफ बुलिंग, द आइडिया ऑफ क्रीप, ये सब मिला हुआ है. इट्स एट द एंड ऑफ द डे यू नो डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स वुमन इज मोर अ गेम ऑफ पावर. तो आपको ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे वजूद से मैं किसी की का जो स्पेस है वो खा रहा हूँ, क्या मैं उसको अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ, क्या मैं कुछ उसका छीन रहा हूँ. जैसे आपको पूरी, आप अपने लिए चाहते हैं कि आपको पूरी जगह मिले, सम्मान मिले, उसी तरह दूसरे को भी मिलनी चाहिए. तो और आदमी इस सेंसिटिविटी के साथ अगर काम करे तो मुझे नहीं लगता कि परेशानी होगी. और हमें मर्दों को खासकर इस बारे में सोचना चाहिए. तो ये दिस कॉन्वर्सेशन kind of goes to everyone, not just women, but people who are sexually different, differently oriented, people from different regions, people for with different skin color. Har koi jo mainstream nahi hai, jo iktidar mein nahi hai, usko include karna chahiye apni society mein aur usko ye uncomfortable nahi feel karana. Wo Bapu ne bahut sundar tarah se kaha tha na, tum Ram kaho ve Rahim kahe, dono ki garaz Allah se hai, tum deen kaho ve dharm kahe, मनशा तो उसी की राह से है, तुम इश्क कहो वे प्रेम कहे, मतलब तो उसी की चाह से है, क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब एक एक डाली है. तो ये बापू ने हम लोगों को ये इनका एक बार पांच भजन उनके बहुत फेवरेट थे, ये उनमें से एक है. और कितनी क्लियरली उन्होंने हम लोगों को 1940s में ये बात सिखाई, जब उनके हाथों के साथ सरोजनी नायडू, उनकी नीसेस, वो जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी जिनका नाम अभी मेरे मन से निकल रहा है, कौर, मिसेस कौर, ये औरतों को एम्पावर करा हुआ था. हिंदुस्तान में हमारे पास सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, स्मृति ईरानी, क्या हर किस्म की मिनिस्ट्राइंस इन प्राइम मिनिस्टर एंड विमेन इन पावर शुरू से रही है. कांग्रेस की लीडर थी सरोजनी नायडू जी. तो वी शुड बी थिंकिंग कि हमारी औरतों को क्यों आज हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं. पर आपने एक चीज बोली थी शुरू में कि मेरी बहन अमेरिका में रहती, उनके हस्बैंड के साथ वो लोग खाना खूब शौक से बनाते हैं, और आपने कहा हस्बैंड भी खाना बनाते हैं. तो डू यू थिंक इफ मोर मेन कुक्ड दे वुड बिकम मोर अट्यून्ड विद देयर फेमिनिन साइड, बिकॉज जापानीज कल्चर में कहा जाता है कि औरतों में तो बस फीमेल है, पर आदमियों में दो जीन्स एक साथ आती है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, नॉट जीन्स, क्रोमोसोम, एक मैस्कुलिन एक फेमिनिन. जब तक एक आदमी अपनी फेमिनिन साइड से अट्यून में नहीं होगा, वो हमेशा एक मॉन्स्टर बन जाएगा. तो अगर आदमी में थोड़ी सॉफ्टनेस हुई, वो हु इज अ मैन, इज अ मैन, डज ही हैव टू बी मैस्कुलिन की थप्पड़ मारे, माचो बने, कुश्ती लड़े, औरतों को थप्पड़ मारे, बच्चों को मारे, इज दैट अ मैन? और अ मैन कैन बी अ फादर जो अपनी बेटी के साथ डांस भी करे, गाना भी गाए, पेंटिंग सिखाए, उसको घूमने ले जाए, लोगों को सड़कों में दिखाए कि एक औरत चल सकती उनके साथ बिना खतरे के. व्हाट इज अ मैन? भाई मैं ये सीधा कहता हूँ कि आपको अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना भी पड़ेगा, जहाँ रह रहे हैं उसको साफ भी करना पड़ेगा, हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा,
तो ये इसका दारोमदार दोनों पे होना चाहिए ना, क्योंकि जिंदा तो दोनों को अपने आप को रखना है, सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं है ना जिंदा रखना दोनों को, है ना। तो इसलिए अगर जो वॉट एवर वी नीड फॉर सस्टेनेंस फॉर लाइवलीहुड इज बोथ पीपुल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड इट्स मैन और इट्स वुमन। तो इसलिए अगर आप एक घर में रह रहे हैं और आपने कहा कि ये घर हम दोनों लोगों ने मिलके बनाया है, तो फिर उस घर को चलाने की जिम्मेदारी दोनों की होनी चाहिए और वंडरफुल बराबर की होनी चाहिए कि भाई जहाँ घर साफ करना है उस पर मर्द का भी हाथ होना चाहिए, कपड़े धोने हैं उस पर भी हाथ होना चाहिए, खाना पकाना है उसमें भी हाथ होना चाहिए, और बेसिकली तालमेल से एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलाना चाहिए। और ये नहीं, ये एहसास नहीं होना चाहिए कि नहीं, ये इतना मेरा है और बाकी बस अब अब तुम करो, तुम्हारा है है। तो ना, अब आपका ये चीज नहीं टेस्ट होनी है, चाहिए। वी हैव अ टेस्ट फॉर यू। आपको, आपने बोला आप आमूल के बारे में जानते हैं, डू यू नो एनी आमूल प्रोडक्ट्स दैट आई कैन, आपको याद है अपने दिमाग में जो आमूल बनाती है आजकल 2020 में, डू यू हैव एनी फेवरेट? अरे भाई, एक तो वो अमूल बटर को कौन भूल सकता है, और उसके साथ जो है अभी बीच में उन्होंने एक वो गार्लिक बटर निकाला, वो मुझे बड़ा पसंद है वो, लेकिन वो उतना उसको मार्केट पे निकालते नहीं है गार्लिक बटर वाले, अमूल वाले। तो मुझे, मैं उनसे यही कहूंगा भाई गार्लिक बटर है अच्छी चीज, जरा उसको आप और निकालें। और अब आजकल क्या है कि अब टेट्रा पैक का ज्यादा जमाना आ गया है, तो अमूल का जो टेट्रा पैक है दूध के लिए आदमी इस्तेमाल करता है, उसके अलावा जो है वो मैं ये बता दूं कि कुछ कुछ बेहतरीन डार्क चॉकलेट्स आजकल आप खाते हैं? लुक व्हाट आई हैव ट्रीट, आई हैव चॉकलेट राइट हियर। तो आई हैव, मैं तो इतना नहीं खाता मीठा, लेकिन जो आपने मुझे भेजी तो मेरे जो चाहने वाले लोग हैं मैंने उनमें उसको बांट दी जो मीठे के ज्यादा शौकीन है। तो आजकल ये बड़ी एक ओरिजिनल डार्क चॉकलेट्स की पूरी एक सीरीज निकाली है अमूल ने, जो जैसा आपने दिखाया एक सुबीर साहब ने आपको, और बड़ी, मैंने भी एक आध फाँक खाई ली थी उसमें से, और काफी टेस्टी और अच्छी है। और आप लोग जो डार्क चॉकलेट के शौकीन है प्लीज इसको मिस ना करें। एंड आई थिंक डार्क चॉकलेट टेक्स अस टू दी डार्क रियालिटी दैट जब यू नो दैट टिल आर मेन दी फादर्स ऑफ आर डॉटर्स डोंट स्टेप अप टू बिकमिंग होलसम पेरेंट टू द चाइल्ड, आर फ्यूचर इज ब्लीक। कि यू नो दी नेशनल सिक्योरिटी हम लोग कहते हैं, बम वम बॉर्डर, वो कुछ भी नहीं मायना रखेगा अगर हमारी बिटियाएं अपने भाई घर पे ना सेफ हों। भाई गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदुस्तान को उस दिन आजाद मानूंगा जिस दिन रात में कोई औरत अकेले सड़कों पे आजादी के साथ घूम Did he say that? सके। यस ही सेड दैट। Wow. तो आई थिंक दैट रियली इज द हॉलमार्क ऑफ ट्रू फ्रीडम। इफ अ वुमन कैन वॉक फ्रीली इन द मिडल ऑफ अ नाइट ऑन एनी स्ट्रीट इन दिस कंट्री, दैट डे वी वुड थिंक दैट दिस कंट्री इज टू And if that is not happening, then we are not a free country. So tell me, वो आपकी मूवी ताजमहल थी, आई लव वॉचिंग इट, यू वर दी हिंदू मैन इन इट एंड द अदर एक्टर हु वाज हिंदू प्लेड द मुस्लिम रोल, एंड इट वाज इन सम वेज अगेन वेरी गांधियन बिकॉज इट शोड एन इंडिया व्हिच वाज जस्ट प्लूरलिस्टिक इन एवरीथिंग। बियॉन्ड मूवीज यू ऑल्सो डन द दास्तान गोई, किस्सेबाजी। दास्तान गोई हैज बिकम वेरी पॉपुलर, कि क्या उसकी, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दास्तान गोई कि लोग इतने उसके पीछे पागल हो गए हैं? कैन यू एंड आई वंस डू अ दास्तान गोई अबाउट द स्टोरीज ऑफ फूड, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत भरी हुई है कहानियां खाने की, मेरी मदद कीजिए उन कहानियों को शेयर करने पे, पर बताइए व्हाट इज स्पेशल अबाउट दास्तान गोई। दास्तान गोई जो है वो आप उससे पहले मैं नाजमीन को बता दूं कि जिसकी बात जिस सीरीज की बात कर रहे हैं सुबीर, वो ताजमहल 1989 है जो नेटफ्लिक्स इंडिया पे आई थी। और आई थिंक इट्स प्योरली कोइंसिडेंस दैट आई वाज प्लेइंग अ हिंदू कैरेक्टर एंड नीरज कभी वाज प्लेइंग अ मुस्लिम कैरेक्टर। आई थिंक इट वाज नॉट बाय डिजाइन, वी वर प्योरली सिलेक्टेड ऑन द मेरिट ऑफ बीइंग एक्टर्स Which is wonderful. And not because we had a certain religious No, identity. that's Bapu's And India. and I think that's how it should be. Actors, we are first of all foremost actors. Whatever other identities. See, एक आपकी acquired identity है, एक आपकी inherited identity है। जी अब inherited identity तो कुछ भाई नहीं सब कर कुछ हो नहीं सकते, सकता,
है ना। अब मैं ब्राउन स्किन्ड आदमी हूँ, हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, मेरे माँ बाप मुसलमान थे, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नॉर्थ इंडिया में पैदा हुआ। लेकिन एक मेरी एक्वायर्ड आइडेंटिटी, एक्वायर्ड आइडेंटिटी क्या है कि भाई मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं तमीजदार हूँ, औरतों को प्रोटेक्ट करता हूँ, ये सब। हाँ एग्जैक्टली। तो ये तो आई थिंक इट इज, होता क्या है कि हम समाज में जो इनहेरिटेड आइडेंटिटी है जिसमें कोई हमारा लेना देना नहीं है, उसके ऊपर ज्यादा शोर मचाने लगते हैं, और जो एक्वायर्ड आइडेंटिटी है उसके बारे में कम बात करते हैं। तो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो मच कंसर्न अबाउट इनहेरिटेड आइडेंटिटी। यस देयर आर मार्कर्स, यस देयर आर आइडेंटिटीज दैट काइंड ऑफ टेल अस हु इज कमिंग फ्रॉम वेयर, बट इट शुड बी जस्ट एट दैट। उसके बाद जो आपकी एक्वायर्ड आइडेंटिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई आलू आपके खेत में होगा या मेरे खेत में होगा, उस पर बहस लगाने का क्या मतलब है? एंड में तो आलू खाना है ना आपको, कि अब आप लड़ाई करके बैठे हुए हैं कि नहीं साहब वो करनाल का आलू खाऊंगा मैं और दिल्ली का आलू नहीं खाऊंगा। बट उसमें मेरिट है, क्योंकि अब आलू की तरह आजकल इंडिया में फेक न्यूज ही नहीं, फेक खाना भी मिलता है। There are so many products that are fake that I tell people, थोड़ा invest करिए, time पढ़िए लिखिए, क्योंकि इसलिए मैं आमों की ढिंढोरे पीटता हूँ। वो उसकी वजह ये है सुबीर, ये जो जितना भी आप जो फेक जो जो आप देख रहे हैं, खाना फेक, फेक चीज, फेक पनीर, फेक दूध, हाँ फेक खाना, इस सबका ताल्लुक जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज से है, दैट इज प्रॉफिट मेकिंग। टिल द टाइम यू आर, आपका खुदा सिर्फ प्रॉफिट है, एंड खुदाई गई, अनब्रिडल्ड अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म वेयर यू आर ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट मेकिंग, इट वुड रिजल्ट इन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो एट द एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू ब्रिंग इन अदर मार्कर्स फॉर गुड लिविंग, फॉर हेल्दी बिजनेस, फॉर हेल्दी इकोनॉमी। नॉट एवरीथिंग कैन बी अबाउट प्रॉफिट। सो वी मस्ट नाउ अगेन सलूट डॉक्टर कुरियन, बिकॉज द कोऑपरेटिव फॉर्मेट हैज प्रोटेक्टेड आमूल फ्रॉम बिकमिंग अ मॉन्स्टर। That they have a chocolate for you, पर ये इटली वगैरह से जाके उन्होंने जो practices सीखी हैं, जो पेरू से लेके पूरी दुनिया से लेके chocolate जो लाते हैं, best chocolate, I know it for a fact, इली coffee, the snootiest coffee in the world, उनके ओमर रिकार्डो इली told me कि अमूल इंडिया buys the world's most expensive chocolate and sells it at the least profit. What is wrong with them, Suvir? And I have to tell him it's a cooperative where the farmers care for their nation. So this is Amul's, you know, the cooperative, again, the profiteering wasn't their marker, it was doing the right thing in a group. So aapne bahut badi baat boli, par meko dastan goi ka thoda bataiye. Haan, to dastan goi ka masla ye hai ki dastan goi basically jo hai, wo fun hai dastane, lambi kahaniyon ko sunane ka. Aur ye, jaise Ramlila, khas kar Ramayan ke events ke aaspaas hoti hai, दास्तान गोई जब जो जैसे हिस्टोरिकली डेवलप हुआ, इट वाज एसेंशियली अबाउट द स्टोरीज ऑफ अमीर हमजा। तो अमीर हमजा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अंकल थे, और उनके वैलर, उनकी कहानियों के आसपास इर्द गिर्द जो है ये ताना बाना बुनने लगा, और ये पूरा एक आर्ट फॉर्म जो है वो ओरिजिनेट हुआ, जो उनकी कहानी सुनाने लगा। और ये फन जो है, हालांकि यू नो इट केम टू इंडिया प्राइमरली टूवर्ड्स फ्रॉम ईरान एंड सेंट्रल एशिया during the Mughal times, लेकिन हिंदुस्तान में आके, खासकर जो वो पर्शियनेट एज थी, from 1000 AD to 1765, उस पर्शियनेट एज में बहुत जो है आप समझिए एक पॉटपोरी था हिंदुस्तान। तो उसमें जो है एक फारसी इन्फ्लुएंस आ रहा था, टर्किश इन्फ्लुएंस आ रहा था, अरबिक इन्फ्लुएंस आ रहा था, फिर हिंदुस्तान की जो खुद की जो बोलियां थी हैं, उसमें खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, मैथिली है, पंजाबी है, नीचे जो है वो दक्कनी एक नए रूप में आ रही थी। तो ये सब जबानों का जो है एक मिश्रण बन रहा था, जिससे कि जैसे उर्दू को जो है पहले रेख्ता कहा जाता था, और रेख्ता का मतलब है अ मिक्स लैंग्वेज। सिमिलरली जो खड़ी बोली जो डायलेक्ट जिसको आप हिंदी समझते हैं, वो खुद जो है एक मिक्सचर था ऑफ डायलेक्ट फ्रॉम पंजाब, फ्रॉम हरियाणा, फ्रॉम ईस्टर्न यूपी, फ्रॉम अवधी। तो ये जो है उसमें वो एक ऐसा पॉटपोरी और ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, कि जब ये कहानी आई और यहाँ की जबान और यहाँ की कल्चर में आके वो घुलने मिलने लगी, तो ये पूरा जो फ्रेंचाइज था अमीर हमजा की दास्तानों को सुनाने का, ये और बढ़ता चला गया, फैलता चला गया, यहाँ तक कि दास्तान गोई एक बाकायदा आर्ट फॉर्म हो गया, कि जहाँ पेशेवर दास्तान गो होते थे जो ये कहानियां सुनाया करते थे, और कोई भी
नोबल पर्सन है, कोटियर है, नवाब है, दीवान है, जिसके पास कुछ रसूख होते थे, कुछ दौलत होती थी, तो वो अपने अंतुराज में अपने जो है साथ में एक दास्तान को नौकरी पर रखता था। पर अब जब ये दास्तानें जो है इतना मशहूर हुई, तो जब प्रिंट कल्चर हिंदुस्तान में आया, स्पेशली विद द फोर्ट विलियम कॉलेज इन कैलकटा कमिंग अप इन 1801 और प्रिंटिंग प्रेसेस बनने लगे, तो एक लखनऊ में बहुत बड़े पब्लिशर थे, प्रिंटर थे, मुंशी नवल किशोर, उन्होंने जो है नवल किशोर प्रेस जो है वहां पे खोला, एंड ही इज ऑफन कॉल्ड द विलियम कैक्सटन ऑफ इंडिया। विलियम कैक्सटन वाज द फर्स्ट गाय हु गॉट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड इन 1900 समथिंग। तो मुंशी नवल किशोर साहब ने जो है वो बहुत दुनिया भर की जितनी भी ओरल ट्रेडिशन में चीजें चल रही थी उनको पब्लिश करना शुरू किया। तो उन्होंने दास्तान अमीर हमजा के जो बड़े बड़े राइटर्स थे, दास्तान गो थे, उनको कमीशन किया कि आप जो ये कहानियां सुनाते हैं इनको कलमबंद कीजिए। तो ये कहानियां जो है उन्होंने जो है फिर कलमबंद करना शुरू किया, लिखना शुरू किया, स्क्राइब किया, और 1883 से लेकर 1917 तक के बीच में 34 ईयर्स में तकरीबन ये 46 वॉल्यूम्स में जाके कहानी पब्लिश हुई। हर एक वॉल्यूम कुछ हजार पेज का था, तो दास्तान अमीर हमजा इज अ 46 वॉल्यूम enterprise which is it's the longest romance epic in the world. Wow. इससे बड़ी कहानी पूरी दुनिया में किसी ज़बान, किसी खत्ते ज़मीन, किसी कल्चर में नहीं लिखी गई है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में ये करिश्मा हुआ है। Wow. और फिर जब ये reprints में जाने लग गई, तो एक और सज्जन थे, उन्होंने जो है वो बनारस में पंडित देवकी नंदन खत्री थे, उनको कमीशन किया और कहा कि भाई जरा इसका एक हिंदुआइज्ड वर्जन निकालो, इसमें तो बहुत ज्यादा इस्लाम की बात हो रही है। तो उन्होंने अमीर हमजा को चंद्रकांता बना दिया और फिर चंद्रकांता के 11 एडिशन आ गए। तो इन सम सेंस चंद्रकांता वाज द फर्स्ट अडैप्टेशन ऑफ अ वेस्टर्न स्टोरी एंड मेड इनटू एन इंडियन स्टोरी, जो कि आपने बॉलीवुड में बहुत देखा होगा होते हुए। तो ये कहानियां जो है ये इस तरह से जो है मशहूर हुई। बट ये है कि बाय द टाइम यू नो 20th सेंचुरी के स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी तो बड़ा जिसे कहते हैं tumultuous टाइम था। तो उसमें बहुत था, दो दो वर्ल्ड वॉर्स हुई और इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये सब प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट। तो ये जो है दास्तानें सुनाने का सिलसिला जो है वो खत्म हो गया। और अब जब ये पिछले 15 साल से जो रिवाइव हुआ और हम लोग जो है इसको अब सुना रहे हैं, तो मॉडर्न फॉर्म में ये हुआ है कि हम ना सिर्फ अमीर हमजा की दास्तानें सुना रहे हैं, बल्कि हम कोई भी नैरेटिव लेते हैं और उसको जो है उसको बुन के एक कहानी की तरह से उसको सुनाएं। तो वो और खासकर दास्तान गोई के अंदाज में, जहाँ पे आप बहुत ही एलोक्वेंट और बहुत ही एम्ब्रॉयडर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करें और उस ताने बाने के साथ जो है उसको बैठ के उसी हाई ड्रामेटाइजेशन के साथ उसको सुनाएं, तो उसको हम दास्तान गोई मानने लगे हैं। लेकिन वो ये असल दास्तान गोई जो थी वो सिर्फ अमीर हमजा की दास्तान के बारे में थी। अब ये है कि जहाँ तक आपने बात कही कि खाने के ऊपर, तो हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। इनफैक्ट ये मुझे याद है अपना अशरफ सुगोई साहब की किताब है दिल्ली की चंद अजीब हस्तियाँ, और उसमें एक चैप्टर जो है अलग अलग लोगों के बारे में है। तो उसमें जो है एक चैप्टर है घुम्मी कबाबी के बारे में, और घुम्मी कबाबी जो है किस तरह से जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अपनी दुकान लगाया करता था और बहुत ही नायाब अंदाज से अपने कबाब को बेचा करता था, कि सिर्फ लोग जिस तरह से वो उसकी जो सेल्स पिच थी, सिर्फ वो उसकी सेल्स पिच सुनने के लिए जो है लोग आते थे और उस चक्कर में कबाब खा लेते थे, कि वो इतने नायाब अंदाज से जो है अपने कबाब बेचा करता था। और कहानी की बड़ी रिच, बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं रिच कहानी। आप मुझे याद है एक कहानी थी कि साहब राजस्थान में एक बादशाह था, तो उसके पास एक महाराज जी थे। तो अब आप नहीं भाई, जो एरिस्टोक्रेट आदमी होता है, जो बादशाह होता है, तो उसके पास फजूल टाइम बहुत होता है, वो तो जो आ गया मन में। तो एक दिन भाई उनको कुछ शौक चढ़ा, तो उन्होंने अपने महाराज से पूछा कि महाराज ये बताइए कि पूरी जो है आइडियल कितना उसको फूलना चाहिए, है ना, ये क्या पैरामीटर क्या है कि हम अगर पूरी को फूलनी चाहिए, पूरी को हाँ उसको तब उसको अंदर कढ़ाई में डालें तो कितनी फूलनी चाहिए, वो आइडियल पैरामीटर क्या है। तो महाराज जी ने कहा कि हुजूर कल आपको पता लग जाएगा नाश्ते के ऊपर। तो अब साहब अगले दिन जो है बादशाह महाराज जो है अपना राजा जो है बैठे हुए हैं और नाश्ते का दस्तरखान लगा, उस पर साहब
सब्जी है और फल है और दुनिया भर के पकवान है, उस पर पूरी आई। तो पूरी जैसे ही बादशाह के सामने रखी गई तो बादशाह ने जैसे ही पूरी को फोड़ा, उसे उसमें से एक गौरैया निकल के उड़ी और आसमान में चली गई। तो महाराज ने कहा कि साहब अगर एक आटे के उसके अंदर गौरैया डाल के छान दी जाए तो वो इतनी होनी चाहिए गौरैया मरे नहीं और उड़ जाए। अब ये सब फोकलोर है, अब रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऑब्वियसली गौरैया उसको आप छानेंगे तो मर जाएगी। अब ये फोकलोर है, ये चला आ रहा है, लेकिन किस्सा बड़ा दिलचस्प लगा कि साहब आपने जब पूरी को फोड़ा तो उसमें से एक गौरैया फुर से उड़ गई, और इतना होना चाहिए कि गौरैया जिंदा रहे और उड़ सके। तो अब थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। तो वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। एक तो चीज आई वांट टू टेल यू कि प्लीज आप और मैं अगर हम लोग मिलके एक खाने की दास्तान गोई कर पाए, मेरे को बहुत मन करेगा आपके साथ काम करने के लिए। आई वुड लव टू शेयर स्टोरी, तो आप बोलिए, आप शेयर करिए दुनिया के साथ। बट अब आपका चैलेंज ये है कि अगर आपकी बिटिया जहरा हुसैनी जो 23 साल की है, बहुत बढ़िया गाती है, सिंगर है, परफॉर्मर है, अगर आप चाहते हैं कि उनको चॉकलेट मिले तो एक हमें 2-3 मिनट में, क्योंकि फिर हमें जाना है, उनके बारे में कोई ऐसी चीज बताइए जो हम लोग उनको चॉकलेट भेज पाए कि why you are a good father and she is an incredible daughter. Tell us a two or three details. I do not know about me being a good father, but I think she is an incredible daughter. पहली बात यह है कि एक तो उसकी गाने के बहुत फैन है, मतलब ना सिर्फ हमारे पर्सनल सर्कल्स में, बट यू नो पीपल ऑल्सो हाईली टैलेंटेड एंड पीपल हु हैव अचीव्ड अ लॉट इन देयर फील्ड आर ग्रेट फैंस ऑफ हर सिंगिंग। एंड उसकी उसका जो जितनी सिंगिंग है, अब तो खैर उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली है और वो ट्रेनिंग ले रही है। कितने साल जी कितने सालों से ट्रेनिंग ली है जहरा ने? Zehra, I think, started training possibly last 6-7 years. And bachpane mein to bachchi thi li ki nahi? Nahi, nahi. So that's what I'm trying to tell you, ki she's a self-trained singer. Wonderful. Usne khud shaukiya jo hai gana shuru kiya aur ek maqam pe aayi jahan pe wo acha gaane lagi aur phir usko ye kaha ki dekho bhai abhi jo hai na tumhari awaaz imitation kar rahi hai. Because you're just kind of hearing other singers and imitating that. But if you really want to learn, you will have to learn the basics of singing and music. And that's when she started doing formal training and she's learning Western classical singing. So that's why she sings opera and she sings jazz and blues and hip hop and you know all these things. She's more inclined towards that singing. So ek uski achhi baat ye hai ki self-trained thi. और अपने आप को इस लेवल पे उसने पहुंचाया है कि जहाँ पे जब वो ट्रेनिंग स्कूल गई तो ट्रेनिंग स्कूल्स ने उसको बहुत खुशी खुशी अपनाया और उसको ट्रेनिंग देना शुरू किया। लास्ट ईयर शी वाज इनवाइटेड टू स्विट्जरलैंड वेयर शी वाज पार्ट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ टैलेंटेड सिंगर्स हु वर परफॉर्मिंग टुगेदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और दूसरी ये चीज कि शी हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड डिफिकल्ट बैटल विद डिप्रेशन and she has fought that very well and she is fighting that very well. Mm-hmm. And I am proud of her that not only she's fighting that battle for herself, but she's chronicling that the essays that she has written about that can form can be a reference for a lot of other people how to fight out for it. And I think for these two reasons we'll send her chocolate. But you should send us a lot of stuff. Thank you for sharing. She lives in Delhi. Many thank you for sharing that, because depression is a part of each family in the world and every human being. We all have moments, some more so than others, and there's no shame in it. So thank you for talking about that. You're a brave father. But you know, as we wrap this up, Danish Saab, aapse main ghanton baat kar sakta hu and entertain reh sakta hu, but thank you for joining us. Me Raksam, please aap log sab dekhiye. Me Raksam by Baba Azmi, presented by Shabana Azmi, with Danish Saab as the father Saleem of Miss Subedi, who was Maryam. Ye movie please dekhega, abhi release hui hai. Par aaj it's on hum log, Z5. Z5. Saath, yes. Par aaj ek aur bahut mahatvapurna insaan ka janmdin hai, jinhone Hindustan mein apna khoon diya, apni life di, aur hume ek bahut बढ़िया स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी आज पढ़ते हैं। तो इट वुड बी रॉन्ग ऑफ अस नॉट टू रिमेम्बर
आर इनक्रेडिबल लीडर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जन्मदिन है आज, और उन्होंने हमें इंसानियत किसानों की दिखाई जो हम लोगों को खिलाते हैं. डू यू हैव एनीथिंग टू एनी मेमोरीज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी दानिश साहब? भाई लाल बहादुर शास्त्री देखिए हम लोगों से पहले गुजर गए थे, पर उनकी शख्सियत ऐसी थी कि लाल बहादुर शास्त्री साहब के आज भी जब आप हिंदुस्तान के फॉर्मेटिव ईयर्स के बारे में सोचते हैं और इनिशियल ईयर्स के बारे में, तो अगर कोई वाकई में बड़ा एसेटिक सच्चा और एक ईमानदार गांधियन इंसान लीडर हमारे पास था तो वो लाल बहादुर शास्त्री थे. मतलब मुझे नहीं लगता कि वी हैड सच अ सॉफ्ट स्पोकन सच एन ऑनेस्ट और ये जो आपने कहा कि बहुत ही छोटा सा नारा दिया जय जवान जय किसान, लेकिन उस नारे से जो और आजकल खासकर जो किसान की आजकल हालत हो रही है और जिस तरह से किसान पूरे मुल्क में जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत लाजमी है कि हम उन लोगों को ना भूलें जो वो अन्न पैदा कर रहे हैं और जिस अन्न की वजह से जो है हम अपनी जिंदगी जो है चला पा रहे हैं. और ये सबसे बड़ी जो बात है कि जो अन्न पैदा कर रहा है उसकी उसको डिग्निटी से रहने का हक है और उसको वो डिग्निटी मिलनी चाहिए, और शास्त्री जी ने इस तरफ जो है हमारी तवज्जो पहुंचाई. जी तो थैंक यू, क्योंकि यस बिना फार्मर्स के हम लोग सब भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे तो हम और भी गुंडे बनेंगे एंड हम लोग तो दानिश साहब थैंक यू. मेरा आज ड्रीम था कि मैं आपसे बात करूं, बिकॉज मीर अक्सम में आपने जिस तरह अपनी बेटी, आपके रोल की बेटी मरियम के साथ आप पेश आए, आपने उसको इनकरेज करा, उसको सपोर्ट करा, उसे डांस सीखने दिया, उसको बोला कि तालीम ले और परफॉर्म करे, यू वर एन एग्जेम्पलरी फादर. और आप अपनी बिटिया की तरह, जिस तरह आपने अपनी बिटिया के बारे में बोला है, हर बाप अगर हिंदुस्तान में ऐसा सोचेगा हम लोग एक बहुत ग्रेट नेशन जरूर बनेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सुबीर, हैव अ गुड इवनिंग एंड एवरीबॉडी गांधी, हैप्पी गांधी जयंती टू एवरीवन. शुक्रिया, थैंक यू सो मच. सामीन आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया ये सब ये गुफ्तगु सुनने के लिए, और गांधी जयंती की आपको हार्दिक बधाई, और उम्मीद है कि जो वो आइडियल्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, हम उन पे बरकरार रहें और अपने मुल्क को उसी रास्ते पे ले चले. थैंक यू सुबीर, थैंक यू सो मच, थैंक यू अमूल, एंड विद दिस आई विल बिड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू दैनिश सर.